हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द न्यू एक्टिव वर्ल्ड में। मैं नाजिर अब्बानी दोस्तों, बहुत दिन के बाद आज मैं फिर से आया हूँ। आज मैं माइडिया के डिश वॉशर का एरर कोड के बारे में बताने जा रहा हूँ। देख सकते हैं ये माइडिया का डिश वॉशर का एरर कोड है। डिश वॉशर डिस्प्ले एरर कोड है माइडिया का। इवन जो आता है तो लॉन्गर इनलेट प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि उस डिश वॉशर में जो पानी आता है वो बहुत ही देरी से आता है, तो इवन आता है। इसमें देखना है कि आपको वाटर प्रेशर क्या है, वाटर प्रेशर लो है या फिर वाटर टैप ऑन है कि नहीं, वाटर प्रेशर भी चेक करना है। इथ्री में के नॉट रीचिंग रिक्वायर्ड टेम्परेचर, मॉल फंक्शन ऑफ हीटिंग एलिमेंट। इसमें क्या होगा, इथ्री में आपको देखना है कि जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो आया है कि नहीं, और उसमें जो मॉल फंक्शन है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। फोर में देखना है कि ओवरफ्लो है, ओवरफ्लो में आपको देखना है कि पानी ओवरफ्लो हो जा रहा है, उसमें ध्यान देना है। सम एलिमेंट ऑफ डिशवाशर लीक्स, कुछ एलिमेंट जो है कहीं से पानी लीकेज कर रहा है वो भी देखना है। ईफोन में ईडी में क्या होता है, ये कम्युनिकेशन एरर है। तो कम्युनिकेशन एरर में आप जानते हैं कि कुछ भी कहीं से कोई भी कम्युनिकेशन जब पीसीबी नहीं कर पाता है तो कम्युनिकेशन एरर आता है। इसमें क्या होता है कि मेन पीसीबी में डिस्प्ले में प्रॉब्लम होगा, पीसीबी में प्रॉब्लम होगा, या कहीं कोई वायर कटा होगा, या कोई भी जैक ढीला होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें।